अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सीमा अशरफी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड बढ़िया सी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, प्याज कट कर लेते हैं। आज बन रही है भिंडी की सब्जी। और भिंडी जो है ना, घर में सबको ही पसंद है। और भिंडी के मतलब के लेडी फिंगर जो बोलते हैं इंग्लिश में, इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। विटामिन ए बी सी भिंडी में पाया जाता है। बन रही है तुअर की दाल। तुअर की दाल में काफ़ी प्रोटीन होता है। गेहूँ के आटे में होता है फाइबर। तो ऐसे ही डेली में सादा खाना जो है ना, आप नॉनवेज अगर खाते हैं डेली, आपको चाहिए तो एक टाइम तो ज़रूर आप उसमें हेल्दी फूड ऐड करें, सब्जियां डेली खाएं, कोई भी अलग अलग तरीके से। वैसे तो मेरी अच्छी अच्छी सी रेसिपी है, तो आप देख सकते हैं। तो ये आज बन रही है भिंडी की सब्जी, तुअर की दाल, सादा वाला राइस और बनेगी चपाती। और देखते हैं आगे क्या करना है, कहीं जाना है तो मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसी हेल्दी हेल्दी रेसिपी। नाश्ता कर लेना तुम। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह मैं आगे घर में जो है ना एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, थोड़ा सा पेट को कम करना जरूरी है। सेहत का ध्यान सिर्फ बोलते हैं, एक्सरसाइज तो करते हैं, करना चाहिए। लेडीज अपना ध्यान नहीं रखती। चलो तो फ्रेंड्स चलते हैं। और मैं बताती हूँ सरप्राइज की क्या कह रहे हैं हम। तो इंशाल्लाह आगे का सरप्राइज आप लोगों को पसंद आएगा। तो अभी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी है, आप आए, बहुत बड़ी बात है। नहीं बात है, आपने इज्जत दी, आपने बुलाया, वो बहुत शुक्रिया। आइए ना प्लीज, अभी आ रही है कंटेस्टेंट्स। बैठिए आप। तो फ्रेंड्स घर से निकले थे, आपको मैं बताने वाली थी कहां जा रहे हैं। तो सरप्राइज होता है यहां पर आके एंड। और हम आए हैं डॉक्टर इरफानिया से मिलने के लिए, और बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। माशाल्लाह मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, हमेशा कॉल पे बात होती थी, आज फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मिलके। और हम आए हैं यहाँ पर अपनी सेहत से जुड़े हुए काफ़ी चीज़ों के साथ, है ना। तो हम यहाँ पर आए हैं, मैम का जिम है, न्यू ओपन हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खूब कामयाबी होगी, है ना। तो जिम से रिलेटेड भी चीज़ें होंगी। और एक ऐसा जिम है यहाँ पर, आपकी सेहत से इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ी है, कि एक ऐसा जिम है नागपुर में, एक ऐसा जिम ओपन हुआ है कि जहाँ आप एक्सरसाइज करने के पहले आपके हेल्थ के टेस्ट होंगे, आपके सारे फिजिकल टेस्ट होंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पर चीज़ें आप कर सकती हैं, है ना। तो आगे की चीज़ें आपको मैम बताएंगे। देखिए हमारा कैसा कंसर्न है कि आजकल जो ऑर्डिनरी जिम सेंटर्स होते हैं, जिम में जितने भी, वहाँ पे मतलब हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसको किसी के भी हवाले नहीं कर सकते, ठीक है। सही है। आप थोड़ा सा आपके जो एक फिजिशियन आपके इसमें होना चाहिए टीम में, क्योंकि आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं। कभी कभी कई बार क्या होता है कि कई सारे लोग आते हैं जिनको ब्लड प्रेशर रहता है पर उनको पता नहीं रहता, डायबिटिक्स रहते हैं उनको पता नहीं रहता। ऑर्डिनरी जिम्स में क्या होता है कि आप उनको एक्सरसाइज रिकमेंड कर देते हैं कि आप ये कर लीजिए, फिर रिजल्ट्स जो रहते हैं वो थोड़े दिन करते हैं। तो फ्रेंड्स आज जिस मकसद से आए हैं, जिम का इनॉग्रेशन तो हो चुका है, वैसे मैं जिम का प्रमोशन भी करूंगी मैम के लिए। बहुत खुशी हुई मुझे इस चीज़ के लिए, मैम ने मुझे बुलाया। और आज यहाँ पे हेल्दी रेसिपी कॉन्टेस्ट, तो सारे जो पार्टिसिपेंट हैं मैम के, वो लोगों ने अपने अपने डिशेस बना के लाए हैं, तो हमें उसमें से चूज़ करना है। इंशाल्लाह सभी की चीज़ें अच्छी होंगी, है ना, बट उसमें से हमें चूज़ करना पड़ेगा कि सेहत के लिए कौन सा टेस्ट, कौन सी चीजें, कौन सी प्रोटीन, कौन सी मतलब के उसमें जो भी चीजें हेल्दी चीजें हैं वो प्रॉपर है या नहीं, प्रॉपर रेसिपी हम उसमें से चूज करेंगे। अब रही बात जिम की, तो जिम का ये है, यहाँ पर नागपुर में एक ऐसा जिम ओपन हुआ है ये लेडीज के लिए, कि आप ऐसे नहीं गए एक्सरसाइज कर लिए, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा जनरल फिजिशियन मैम, जो है वो आपको बताएंगी आपकी हेल्थ के लिए कौन सी एक्सरसाइज सही है, कौन सी गलत है, क्या आपको स्टेप करना चाहिए, कौन से स्टेप नहीं करना चाहिए, सारे टेस्टिंग्स हो गए उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद ही आपको बताया जाएगा कि आपकी बॉडी पे कौन सी एक्सरसाइज सूट होगी
और क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैम के जो हस्बैंड है वो जनरल फिजिशियन है, तो उसके हिसाब से क्या तो कैसा होता है, पहले टेस्ट होंगे आपके कि आपकी बॉडी में शुगर है, बीपी है, जो भी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, आपको गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं और मशीन पे खड़े हो जा रहे हैं, आप जा रहे हैं एक्सरसाइज करना शुरू करते रहे, है ना। तो कई बार ऐसी चीज़ों से दिक्कत भी हो जाती है, आप करने कुछ जाते हैं हो जाता है गलत, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नागपुर का एक ऐसा जिम है जहाँ पे आपकी बॉडी के सारे टेस्ट होंगे, उसके बाद ही आपको स्टेप बताया जाएगा कि आप किस तरह से अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, है ना। फ्रेंड्स, हम जहाँ आए हैं, मैंने आपको बताई कि मैम के हस्बैंड फिजिशियन है, माशाल्लाह जनरल फिजिशियन है, और मैम जो है फिजियोथेरेपिस्ट है। तो जब भी आपको कोई भी बॉडी में तकलीफ हो, आपको डॉक्टर कहते हैं कि फिर आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, एड्रेस डाल दूंगी, आप मैम के पास ज्वाइन कर सकते हैं। मैम बहुत ही अच्छी टॉप की फिजियोथेरेपिस्ट है, तो आप लोग को जब भी कभी ज़रूरत है तो आप आ सकते हैं। तो मैम बहुत लजीज खाने बनाती है, इनका ब्लॉग में फॉलो करती हूँ, आप लोग भी देखिए, बहुत टेस्टी खाना रहता है, अभी फॉलो करेंगे, स्पेशली अभी रमजान में पहले बताते तो आइडिया चल जाता था, इसीलिए बताया, कंपटीशन टफ है। नहीं नहीं, सभी अच्छा है और सभी लोग अच्छे ही बनाते हैं खाना, है ना, किसी का कम किसी का ज्यादा, जब भी तो कॉम्पिटिशन उसी को बोलते है ना। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सब यहीं से हैं जाफर नगर से? हाँ, मोस्टली। अच्छा, सभी यहीं से हैं। जी, कंटिन्यू करिए जिम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा जो है ये काम के साथ साथ, अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे जभी तो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कर पाएंगे, है ना। और अपने अखराजात में से, अपने खर्चों में से अगर हम थोड़ी सी कमी करें और अपनी सेहत पे अगर ध्यान दें, तो बाकी वो सारे काम आपके बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो हम अक्सर ऐसा करते हैं, बाकी चीजों के पीछे जाते हैं, सेहत को लास्ट में लाते हैं, 50 साल के बाद सेहत की तरफ ध्यान देते हैं। और औरतों ने ये डेली के काम के साथ साथ अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए। अक्सर आजकल गूगल पे और चीजों में लिखा हुआ आ रहा है कि दुनिया की सबसे सस्ती मजदूर औरत, सबसे सस्ती मजदूर नहीं है, सबसे अच्छी मजदूर है, मगर ये मजदूर अपनी तरफ ही ध्यान नहीं दे पाती। चलिए, आप लोग करते हैं कि सारी मशीनें? हाँ, हाँ, घर पे जाके भी ध्यान दिया करिए, डाइट रखते हैं इसलिए, हाँ, दोनों चीजें जरूरी है। आपकी चैनल पे डाइट का है जी? डाइट का है, डाइट का हाँ, है, कौन कौन? हाँ, मैं कुछ कुछ रेसिपीज है डाइट की, तो इंशाल्लाह भी इस ब्लॉग के साथ रमजान में जो हमारा डाइट प्लान है जी, लेकिन उसके दीजिए। अच्छा, तो मैं रमजान के लिए अभी सेट कर दूंगी, ये जो ब्लॉग जाएगा मेरा इसके साथ इंशाल्लाह मैं डाइट रेसिपीज डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इलाइटेक्स जिम में जो है ना हेल्दी कुकिंग कंपटीशन है, तो डॉक्टर इरफानिया मैम ने मुझे यहाँ पर कुकिंग कंपटीशन में एज अ जज के लिए बुलाया था, तो बहुत शुक्रिया मैम का। तो जज करना है सारी चीज़ों को, वैसे तो सभी ने अच्छा बनाया है, बट देखते हैं अभी फर्स्ट कौन है, सेकेंड कौन है। अब जैसे आप जो भी टेस्ट करेंगे आउट ऑफ 10 आपको देना है, आपको नंबर्स लिखते जाइए, ठीक है। आप पहले कर लीजिए, नहीं नहीं आप भी साथ में लीजिए। पनीर जैसा बना तो क्रश करके तो पनीर डाला है इसमें, बट ये बनाया किससे है? सिर्फ पनीर है, उसमें और कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे मालूम पड़ जाएगा फिर किसका कौन सा है। अच्छा, मालूम पड़ जाएगा। नहीं, ठीक है, मैं नाइफ नहीं लेती हूं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, स्टफ वो तो समझ गई मैं, रोटी है, स्टफ पनीर है, पनीर रोल, कर्ड, चिली, टर्मरिक, इंग्रेडिएंट्स भी देखते जाओ, ये सलाद ही इनका साथ में,
चना पीनट साथ में इंग्रेडिएंट्स भी देखते जाओ। जो है ना ऐसा लग रहा है फटे हुए दूध का है ना, है पनीर का है वो, ये भी पनीर का है, पूरा पनीर का ही है इनका प्रिपरेशन। ये सैलेड नहीं लिया आपने? सैलेड लीजिए, सैलेड भी नहीं कहे क्या? हाँ ये भी नहीं कहा। साथ से इसमें क्या क्या है? ये स्प्राउट डोसा। अच्छा ये मूंग दाल वगैरह। Hear me out.
अच्छा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जजमेंट हो चुका है और सारे पार्टिसिपेंट जो है इंतजार में है कि फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है। बट कंपटीशन तो कंपटीशन ही होता है ना, तो कंपटीशन यहाँ पर होता है एंड, और रिजल्ट आ चुके हैं और बताएंगे कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। फर्स्ट सेकंड कोई नहीं है, मतलब कि हमें जज करना था इसलिए हम बता रहे हैं फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है। बना बहुत अच्छा, सबने मेहनत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिजल्ट आ गए है और नंबर 8 जो है वो फर्स्ट आया है, तबस्सुम जी, तबस्सुम बाजी। आपने जो है माशाल्लाह, मैं पहले सेकंड को भी बुला लेती हूँ। सेकंड है तरन्नुम बाजी। कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे सबकी सेहत का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड फर्स्ट और सेकंड हो गए हैं, ये तो ऐसा है कि चूज करना होता है ना। सबने अच्छा बनाए थे, बहुत अच्छा बनाए थे, बहुत मेहनत किए, बट कंपटीशन तो एक कंपटीशन होता है ना, उसमें से ढूंढना पड़ता है। अगर आपको भी मेरी जगह या बाजी की जगह खड़े रखेंगे कि कंपटीशन में देखिए कौन फर्स्ट है कौन ज्यादा है, तो आपको भी कंफ्यूज होगी ये चीज़ें, है ना। तो माशाल्लाह सबका अच्छा था, बट हमें ये देखना है न्यूट्रिशन किस में ज़्यादा थी, हेल्दी रेसिपी कौन सी है, प्रोटीन किस में ज़्यादा है, आयरन किस में ज़्यादा है, ऑयल फ्री चीज़ें कौन सी है, कौन सी चीज़ें सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है नुकसान होती है। जैसे कि चने की चाट जो इसमें बनी है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, कोई कमी नहीं उसमें। सिर्फ उसमें हम हेल्दी रेसिपी अगर देखा जाए तो उसमें स्प्राउट अंकुरित नहीं हुई हो, अगर आप उसके रात भर रखते हैं और अंकुरित करते हैं तो वो होती है हेल्दी रेसिपी, है ना। चना तो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ही, आपने ऑयल फ्री भी बनाया है, बॉयल चाट थी वो बहुत अच्छी थी, बस उसमें एक कमी ये थी कि वो स्प्राउट नहीं था। आगे से ये ध्यान रखिए, हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं तो और भी ज़्यादा हेल्दी हमारी चीज़ें कैसी हो सके, तो उसमें यही था कि आप अंकुरित इसे कर लेते तो और ज़्यादा फायदेमंद होती वो, है ना। और बाकी की चीज़ें अब पे जैसे आपने बनाए तो राइस और उड़द की दाल, है ना, जिसने भी बनाए हैं उड़द की दाल और चावल, उसके साथ अगर आप चावल यूज, चावल जैसे हेल्दी होता है, डेली सब खा सकते हैं, डेली से खा सकते हैं, ऑयल फ्री भी होते हैं ये, बट अगर इसको और भी हेल्दी बनाना है आपको तो आप इसमें रागी यूज कर सकते थे, जौ यूज कर सकते थे, अलसी यूज कर सकते थे चावल के साथ थोड़ा सा, या चावल यूज नहीं करते और मिक्स स्प्राउट इसमें यूज करते, जैसे मोट अंकुरित होता है, चना अंकुरित होता है, उसको हम रात भर भिगो के रखते और उसमें जो मतलब स्प्राउट आता है सुबह के टाइम जाता है, फूल जाता है वो रात भर रखने के बाद, तो उसके आप बनाते थे और ज्यादा हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता। बट बने बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, आप डेली में जैसे खा सकते हैं हेल्दी रखने के लिए, हेल्थ घर में सभी लोगों के लिए, अपने लिए भी, ऑयल फ्री है, बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं थी उसमें। कमी बस यही रह गई उसमें कि आप सेहत से जुड़ी हुई चीज़ें बनाते हैं अगर आप, तो उसमें चावल का थोड़ा सा कम यूज़ करें और उड़द की दाल जो थी वो थोड़ी सी हेल्दी होती है, बस यही थी। बाकी बहुत अच्छे बने थे आपके अप्पे, जिसने भी बनाया था अप्पे। और उपमा भी अच्छा था, उपमे में जो साथ में चीला बनाया था, डोसा बनाया था मिक्स स्प्राउट का, उसमें ऑयल से आपने उसे सेक दिया, जिसने भी चीले बनाए है ना, उसमें ऑयल से सेक दिया आपने उसे, है ना। हाँ, तो हम बना रहे हैं सेहत के लिए तो उसमें ऑयल से थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अगर आप डेली स्प्राउट चीला खाते हैं तो उसमें फिर क्या होता है कि आपके स्प्राउट तो आपके पेट में जाएगा, ये सारे अनाज की जो आपको जरूरत है वो तो आपके पेट में जाएगी, मगर साथ में ऑयल जा रहा है आपके, ऑयल फ्री बनाइए नेक्स्ट टाइम से। तो और पनीर जो है वो भी बहुत अच्छा था, सभी चीज़ें अच्छी थी। लौकी का जूस बहुत अच्छा था, लौकी के जूस में आप कोई और भी मतलब जो गाजर यूज़ कर सकते थे, पालक यूज़ कर सकते थे, टमाटर यूज़ कर सकते थे, मिक्स बना सकते थे मिक्स जूस, उसको लौकी का भी बहुत अच्छा था। बट भाई कंपटीशन तो कंपटीशन था है ना, तो इसलिए सभी लोग बहुत अच्छा है और आप लोगों ने बनाए हिम्मत करके ये चीज़ें, सेहत से जुड़ी ऐसी चीजें आप डेली में खा सकते हैं, बहुत फायदेमंद। सबने बहुत एफर्ट किया, बहुत अच्छा बनाया, मेहनत से किया, मेहनत से बनाया, अब किसी ना किसी को फर्स्ट सेकंड बनाना है ना। आप जिसने ये तुकम राई का बनाया है चिया सीड, वो भी बहुत अच्छा है। देखिए सेहत के लिए फायदेमंद चीजें तो जरूरी है, उसके साथ प्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, क्योंकि अक्सर करके हम बच्चों को देते हैं हेल्दी खाओ, दाल चावल खा लो, बच्चे दाल चावल को देख के भागते, नहीं खाना है। उस दाल चावल में कुछ ऐसी चीजें मिक्स करिए आप, कुछ ऐसा प्रेजेंट करिए बच्चों को कि दौड़ के आए बोले मम्मी मेरे को रोज दाल चावल ही चाहिए। हाँ,
इसलिए अट्रैक्टिव चीज होना चाहिए उसमें, देखते से मतलब बच्चों को अट्रैक्ट हो जाए कि मम्मी ने बहुत अच्छा बनाया है, मुझे खाना ही जरूर। तो अब डेली की लाइफ में वो डेली के खाने में भी खाना तो बन जाता है, मगर कभी कभी खाने को देख के इंटरेस्ट नहीं आता है कि बोरिंग लगता है, मगर उसको प्रेजेंट अच्छे से करिए। तो सभी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। और सिया ये जो तुकम राई आपने बनाया है दूध में, अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हैं इसको तो आप पानी के साथ बनाइए, शक्कर की जगह शहद का यूज, गुड़ का यूज कर सकते हैं और दूध की जगह आप पानी का यूज करें। ऐसा नहीं कि दूध में ही अच्छा लगेगा, ये पानी में भी बहुत अच्छा लगता है। सभी का अच्छा था, एक बार सबके लिए फिर से क्लैप। हमने यहाँ पे वेट गेनिंग के लिए यहाँ पे डंबल्स हैं अलग अलग किलोज के हैं, तो हमारा पूरा फोकस अभी ज़्यादा ये है कि हम वेट गेनिंग करवाएं इंग्रेज को। क्या हो रहा है जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका 40 जो आपका मसल लॉस स्टार्ट होता है, अब मसल की खासियत होती है कि आप किसी भी एज में वापस से स्ट्रेंथ आया लेकिन ऐसा नहीं है। फीमेल्स को सबसे ज्यादा वेट ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि सबसे ज्यादा मसल लॉस भी बहुत रैपिडली फीमेल्स में होता है और बाय बर्थ भी उनके अंदर मसल्स कम है एज कम्पेयर टू मेल्स, उनके अंदर जी। तो मतलब कि फ़ायदा ये है आप एक जिम में जाते हैं वहाँ आप वज़न कम या ज़्यादा कर सकते हैं, है ना, मगर ये जिम में आपको आके ये फ़ायदा है कि मैम जो है एक फिजियोथेरेपिस्ट है, तो आपको पूरा पूरा फोकस मिलता है आपकी सेहत पे, आपके मसल्स पे कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई मसला ना हो, कोई चीज़ें ना हो जाए। तो साथ साथ में आपको जिम के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट आपके साथ होते हैं, और वैसे तो मैंने आपको बताया है कि फिजिशियन है सर के, सॉरी मैम के हस्बैंड जो है फिजिशियन है, तो आपको यानी कि ये जिम में आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। आप अगर अच्छा सा जिम देख रहे हैं नागपुर में लेडीज के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे जी जी, आपने भी इज्जत अफजाई की, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुलाकात, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। चलिए अस्सलाम तो फ्रेंड ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, सब कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।